दाल चावल। साबुत इसमें दो खाने के चम्मच, जिसमें एक ये बादियान फूल, तेजपात और साथ में काली मिर्च, थोड़ी सी पीसेस दालचीनी के, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, सफेद जीरा। इसकी एक छोटी सी पोटली बनाएंगे। चावल भी आ गया और पोटली जो शामिल की है, मेरे हिसाब से भी थोड़ी देर के अंदर उसका जायका इसमें आना शुरू हो जाएगा। चावल में बिल्कुल साफ चावल होने चाहिए। नमक, ये दाल शामिल कर दी, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, पानी इसमें थोड़ा सा और शामिल करेंगे। मैं दाल को चाहता हूँ कि थोड़ा सा टूटे, पकाना नहीं चाहिए, लेकिन जायके के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये पोटली को हम थोड़ा जरा दबा देंगे। मैं इसको कंप्लीटली तकरीबन तैयार निकालता हूँ, थोड़ी सी कसर हल्की सी रखता हूँ। तो इसको हम थोड़ा सा पीसना शुरू करेंगे और थोड़ा थोड़ा पीसने के बाद इसको छोड़ दे देंगे, पकने छोड़ देंगे। आंच इसकी कम कर देते हैं, इसको कर देते हैं कवर, ये धीमी आंच पे पकता रहेगा। ये इसका सही टेक्सचर है मेरे हिसाब से। सबसे पहले हमने इसका तड़का तैयार करना है। दाल है तैयार और दाल वैसी मजे की है बहुत। इसमें लहसुन जाएगा, जीरा, गोल लाल मिर्च, बस। दाल चावल अज्जा। चावल आधा किलो 2 घंटे भिगो दें। साबुत गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, नमक 2 खाने के चमचे। दाल के लिए दाल मसूर 250 ग्राम, पिसी हल्दी 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तड़के के लिए तेल आधा कप, लहसुन स्लाइस्ड 3 खाने के चमचे, साबुत लाल मिर्च 8 से 10 अदद, जीरा 2 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे।